सप्ता हेम अंगकांति प्रातरुण अंबरे सप्ता हेम अंगकांति प्रातरुण अंबरे राधिकानु राग प्रेम राधिकानु राधिकानु राग प्रेम राधि भक्ति वांछा जे करे भक्ति वांछा जे करे देवा दी देवा गौर चंद्र गौरी दास मंदिर देवा सचे सुत गौरचंद्र आनंदित अंतरे सचे सुत गौरचंद्र आनंदित अंतरे पसंद खंड नित्यानंद पसंद खंड नित्यानंद संगे रंगे बिहारे संगे रंगे बिहारे अनित्यानंद गौरचंद्र गौरीदास मंदिरे नंद गौरचंद्र आ गौरी दास करत आस गौरी दास करत आस सर्व जीव उधारे सर्व जीव Jaya 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 Jaya
सचिनंदन गौर हरि की फोटो हरे कृष्ण। हमारी सारी पार्टी आ गई, सब आ गए। हमारे संजय प्रभु जी कहाँ हैं? इधर आओ। हाँ कोई फोटो मत लो, आप इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की। हाँ आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। हाँ हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकाभधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, श्री प्रभुपाद की, इताई गौर प्रेमानंदे हरि। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुँचे हैं, ये स्थान का नाम है अंबिका कालना। देखो अभी प्रश्न होता है, कितना बजे सवेरे उठे हो? 3 बजे तो उठे होंगे है ना, उसके बाद नहा, 2 बजे कोई कह रहे 2 बजे उठे, नहा धो करके फिर तिलक करके आरती देखे होंगे, फिर उसको पास में फिर परिक्रमा 10 किलोमीटर, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठी करके फिर यहाँ पर आना। और रास्ता कितना गर्म था, लोग तो चल नहीं पा रहे थे, जैसे नाच रहे थे सबके सब, हाँ सबके सब नाच रहे थे। अभी अभी यहाँ प्रश्न है, फिर हम लोगों ने इतने इधर इधर आ जाओ, हमारे जो भक्त लोग इधर सब बैठ जाओ आकर के, हरे कृष्णा इधर बैठ, जो दर्शन हो गया इधर आकर बैठ जाओ। अभी अभी यहाँ प्रश्न होता है, फिर हम लोग ने यहाँ पर इतना कष्ट करके क्यों आए, क्या जरूरत इतना कष्ट, घर में बैठे रहते ना आनंद में, एसी में बैठ रहे थे आनंद लेते, फिर इतना कष्ट करके क्यों आए। एक 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 बंगला में कहावत है, कष्ट नहीं करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। संसार के लिए कौन नहीं कष्ट करता बताओ, कितने कष्ट करते हैं संसार के लिए, तब भी सभी का डंडा पीठ ऊपर पड़ता है संसार की सुख के लिए। देखना अपना सुख के लिए तो बहुत कम करते हैं, हम कैसे पति को खुश करें, जेठ को खुश करें, कैसे ससुर को खुश करें, भाई को पति को बेटे को, इसलिए तो कोशिश करते ना इतना, इसलिए तो दिन भर परिश्रम। अभी तो किसको पूछो तो अभी कोई संसार में तुम्हारे पर खुश है, कोई बोल दो तो तुम्हारे पर कोई खुश है, बहू खुश है ना, सास खुश है ना, ननद खुश है, पीछे सबके सब चुगली करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कष्ट करके आए ना, ये कष्ट का सार्थकता है, ये कष्ट का सार्थकता है। अभी आप लोगों ने जो ठाकुर का दर्शन किया है ना, ये ठाकुर कोई साधारण ठाकुर नहीं, इसलिए श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध में नेमी नव जोगेंद्र संवाद आता है। कहते नव जोगेंद्र को नेमी महाराज ने 9 प्रश्न किया, उसमें एक प्रश्न है, ये कलयुग का भगवान कौन है और उनको कैसे भक्ति करनी चाहिए, उसमें एक प्रश्न है, इसका उत्तर देते हैं। बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस। कहते कलयुग में जो मूर्खों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इधर उधर ये भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान, जिनको पीछे से भटक रहे हैं, कहते कलयुग में जो बुद्धिमान होंगे, कहते किसको उपासना करेंगे, कलयुग में अवतार कौन है, कलयुग में भगवान कौन है, कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत कह रहा है, वेद पुराण उपनिषद कहते। बोले कृष्ण वर्णम, बोले जो कृष्ण, ये जो 2 अक्षर जिनके जिह्वा में
हर समय कृष्ण 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 नाम उच्चारण करेंगे, लेकिन उनका शरीर का अंग का दिखाई से बोले अ कृष्ण मतलब काले नहीं क्या फेरे होगा गोरे हैं, कहते क्या अकेले आएंगे, बोले नहीं, कहते अपना अंग अपना भैया को साथ में आएंगे, दाऊ भैया को साथ में और श्री नित्य अद्वैत आचार्य जी को साथ में आएंगे, हाँ सदाशिव को साथ में, फिर कहते उनका परिकर भी होएंगे, कौन है, बोले गदाधर उनकी शक्ति, श्रीवास पंडित उनका भक्त हैं, कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद शिव धाम सहबदरी, जीव को पर कर कृपा करने के लिए पूरा परिकर धाम समझे इस जगत में महाप्रभु आए हैं, इसलिए कहते उनको उपासना कैसे करनी चाहिए, कलयुग में तो भगवान स्थिर हो गया, कौन है श्री सचिनंदन गौर ही कलयुग में भगवान है हैं, कहते उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेध स, कलयुग में जो बुद्धिमान होंगे संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा भगवान को उपासना करेंगे हैं, संकीर्तन के द्वारा ही उनको उपासना करेंगे, यही कलयुग में अस्त्र है हैं, इसलिए कहते ये कौन है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु, ये साक्षात रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु, कहते ना जिनको एक बार दर्शन करने पर क्या होगा संसार में फिर दोबारा जन्म नहीं पड़ेगा, इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, हे अर्जुन अगर एक बार कृष्ण दर्शन कोई कर ले जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन चार भाग्य हो आछे, एक बार जीवन में अगर एक बार कोई कृष्ण दर्शन कर ले फिर जगत में उसको जन्म लेना नहीं पड़ता है, कहाँ जाएगा भगवान को धाम में चले जाएगा, जहाँ जाने से ये जगत में दो बार आना नहीं पड़ेगा, जगत में आना नहीं पड़ेगा, इसलिए ये ठाकुर को दर्शन कर लिया ना फिर जगत में तुमको दो बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा, क्या लेना नहीं पड़ेगा बस, इसलिए हम इतना कष्ट करके आए, बोले फिर ये महाप्रभु कैसे हुए, यहीं पर श्री गौरदास पंडित रहते थे, ये कृष्ण लीला में ये सुबल सखा राधा रानी की सुबल सखा, कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा सुबल सखा है, उनकी अवतार है, कहते वही सुबल सखा ही कलयुग में ये गौरदास पंडित रूप में यही रहते थे, जब यही रहते थे हम लोगों ने नदी पार किया ना, अभी तक गंगा पार किया, हम जिधर से पार किया उधर से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु कौन हो गए कृष्ण, नित्यानंद प्रभु कौन दाऊ भैया, ये दोनों भैया गंगा पार करते हुए वहाँ पर एक इमली तला देखे हो, इमली वृक्ष देखे कि नहीं, वहीं पर ही ये गौरदास पंडित को साथ में महाप्रभु का वहीं पर मिलन हुआ, महाप्रभु उसी वृक्ष के नीचे महाप्रभु बैठे थे और उन्होंने ये था उनका घर है, जब यहीं पर रहते थे उनको सखा है प्रिय नर्म सखा है अत्यंत प्यारे सखा है, और इतने प्यारे सखा है ना अगर कभी कृष्ण कभी राधा रानी का विरह में इतने दुखी हो गई, इतने दुखी हो गए फिर राधा रानी के बगल में प्राण त्याग कर दूंगा, तब श्री जब सुबल सखा को बोले, बोले चिंता मत करो मैं व्यवस्था करता हूँ, इतने में सुबल सखा ने क्या किया जावट में चली गई, इतने में जटला कुटला पूछे भैया क्या बात क्या चक्कर तू किस लिए आए, बोले मेरे गैया कहीं गुम हो गया देखने के लिए आया तुम्हारे घर में बछड़ा की नहीं, अंदर में घुस गए बोले जाओ देखो, और वहाँ पर राधा रानी थी, तब राधा रानी को बोले हे राधे कृष्ण कह रहे हैं तेरे विरह में प्राण त्याग कर देंगे कुछ व्यवस्था करो, बोले क्या करनी चाहिए, बोले तू मेरे ड्रेस और तेरा ड्रेस मेरे दे दो, क्योंकि राधा रानी का जो देखने में जैसे थे ना मुँह ये इनका ठीक सुबल का मुँह ठीक वैसे थी, इन दोनों ने ड्रेस को चेंज करवा दिया, चेंज करा के राधा रानी बन गई सुबल का रूप और अपना गोद में ले लिया कि बछड़ा, इतने में जटला ने पूछा बछड़ा मिल गया, बोले मिल गया पता नहीं चला कि राधा रानी है, हाँ उन्होंने ऐसे ड्रेस को बनाया और सीधा आ गई कृष्ण के पास में, इतने में कृष्ण भी पहचान नहीं पाए, कृष्ण बोले राधा रानी आई, बोले तो नहीं ला पाए, बोले तो मैं प्राण त्याग दे दूंगा कृष्ण राधा रानी के अभिनय में, जो उनको जो बछड़े को अपना गोद में पकड़ कर रखे थे ना जो उतार दिया, फिर उन्होंने क्या देखा ये कौन है, बोले श्री श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की, मतलब इतना प्रिय सखा थे कि कभी कभी राधा जी के रूप धारण करके राधा कृष्ण को मिलन कराए थे कराया करते थे, इसलिए जब यहीं पर अभी दिन भर महाप्रभु को इतने सेवा करते इतने रसोई बनाते हैं कितने तरह का साग कितने तरह का दाल कितने तरह का क्या क्या बनाया करते थे हैं, जैसे हमारे उस तरफ में क्या होता है एक सब्जी बना दो नहीं तो रोटी बना दो, इधर का लोग ऐसे नहीं खाते, किसको दोगे तो बोले बड़ा उनकी बड़ा बेइज्जत जैसे है, दो तीन तरह का दाल होनी चाहिए दो तीन तरह का साग भाजी होनी चाहिए हैं तभी जाकर खाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ के जो रिवाज है ये रोज रोज छपन भोग छत्रिस व्यंजन बना बना कर खिलाते हैं, और खिलाते जब महाप्रभु जाने के लिए तैयारी होते बोले हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो हरिनाम प्रचार करना जगत में,
बोले प्रभु एक दिन कल चले जाना। दोस्त है ना, अत्यंत प्यारे दोस्त, दोस्त दोस्त का बात रखना पड़ता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन चूंकि तू मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तेरे को गीता की रहस्य बात बताता हूँ। अब देखना घर में परिवार में अगर झगड़ा हो ना, अपना परिवार को सामने जो बात नहीं बता सकते दोस्तों के पास में वो बात बता सकते। बोले दोस्त क्या बताएं, अपना घर की बात है, मैं बता नहीं सकता सभी को, दोस्तों को बात बता। इतने दोस्त इतने प्यारे होते हैं। इसलिए अभी जब बोलते हैं हम जाने के लिए तैयारी, बोले प्रभु कल चले जाना, आज नहीं कल चले जाना। फिर जब कल आता है ना, बोले अभी तो जाने दो, बोले नहीं और एक दिन रुक जा कल चले जाना। फिर दूसरे दिन जब आते हैं और इतने तरह तरह का प्रसाद बनाता है, इतना तरह तरह का प्रसाद, बोले प्रभु महाप्रभु कहते हैं इतने तरह का तरह को एक दाल चावल सब्जी बना दो ना, बोले नहीं प्रभु जी हैं, फिर इतना तरह का फिर बनाएंगे। जब फिर आता है बोले कल चले जाना, किसी तरह से जाने ही नहीं दे। इसलिए स्थान का नाम पड़े काल ना, क्या नाम है ना। मतलब कहते कल 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 जाना, लेकिन जब कल आ जाता है ना बोले ना ना कल आना, इसलिए इसका नाम पड़ गया काल ना ना पड़ गया। लास्ट में बोले देखो अभी नीम का दो मूर्ति बनाओ, जैसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु थे, बोले नीम का दो मूर्ति बनाओ। नीम वृक्ष में दो मूर्ति बनाए गए, जैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु थे ठीक वैसे ही दो मूर्ति बनाए गए। और उनको पीढ़ी लगा करके चारों को केले का पत्ता लगा करके बढ़िया बढ़िया खाना खिलाए, चारों ने भोजन किया। जो विग्रह बनाए थे ना लकड़ी का विग्रह, वो भी भोजन किया और ये दोनों भाई भी भोजन किए। जब भजन हो गया उनका चंदन फंदन माला देख करके अभी महाप्रभु कह रहे ये बताओ हम दोनों भैया को रखोगे ना ये मूर्ति की विग्रह को रखोगे। बोले विग्रह से क्या जरूरत, मूर्ति की आप रहो। बोले ठीक है हम दोनों भाई रह जाते। जब रह गए ना वो जो मूर्ति बनाए थे, इतने में वो मूर्ति भी चलना शुरू कर दिया, वो मूर्ति चलना शुरू कर, बोले कहाँ जा, और ये हो गए मूर्ति और वो दोनों भैया चलने लगे। बोले कहाँ जा रहे हो, रुको 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 रुको, बोले हम रह गए ना, बोले तो मूर्ति बन गए आप रुक जाओ, वो नहीं आप रुक, ठीक है बोले हम दोनों रुक जाते रुक। ये जो दोनों स्टैचू बनेगा ना, फिर ये दोनों चलना शुरू कर दिया और वो बन गए मूर्ति। बोले कहाँ जा रहे हो, भागते भागते, बोले आप रुको, बोले तुमने हमने रख लिया ना, हाँ रख लिया, बोले नहीं आप रह जाओ। बोले इनका जो रोक ना जो मूर्ति थे फिर चलना शुरू कर दिया, चल फिर भाग, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले तो हमको रख लिया ना। लास्ट में जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु थे ना, ये जो विग्रह दर्शन कर रहे हो, लास्ट में साक्षात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों रह गए यहीं पर, और जो मूर्ति था ना दोनों चलते 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 वहां चले गए। इसलिए कहते ये मूर्ति, इसलिए गुरुदेव कहा करते थे यहाँ आकर के एक बार आए थे, गुरु जी कहते थे हम तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए, गुरु जी कहते थे, लेकिन जब इनको दर्शन कर लिया ना तुम्हारे नित्यानंद और महाप्रभु दोनों का दर्शन हो गया, गुरुदेव का दर्शन तुम्हारी हो गई है। और जब एक बार भगवान को दर्शन कर लो ना, फिर सखा संसार में दो बार तुम्हें और जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने इतने कष्ट करके हैं, दिन रात दो बजे कोई उठे तभी भी कष्ट करके यहाँ पर, तभी हम लोगों ने, हम भी आए और कोशिश की आपको भी एक बार लेकर के दर्शन, तो यहाँ पर और एक कहाँ पर, बाबा ये सब पंडित बैठेंगे बाकी बिहारी, केवल ये दो जगह पर आप देखोगे ये डायरेक्ट रूप में ठाकुर को दर्शन करने नहीं देते। बोले क्यों नहीं देते, कारण क्या, बोले कारण है उनका एक शिष्य था जिनका था नाम था चैतन्य नाम था, हैं हृदय चैतन्य उनका नाम पहले था चैतन्य, बाद में हृदय चैतन्य नाम हो गया। अभी क्या हुआ, अभी जब महाप्रभु का जन्मतिथि आने पर, जैसे आप लोग कितने कितने दूर से आए हो यहाँ पर होली मनाने के लिए, महाप्रभु का जन्मतिथि परिक्रमा करने के लिए, नियम होता है कोई ठाकुर का उत्सव हो तो सारे संतों को बुला करके कीर्तन हरिकथा उत्सव होता है, नियम है ठाकुर का कोई तिथि आए तो जन्माष्टमी राधाष्टमी उत्सव करनी चाहिए, कीर्तन करानी चाहिए। अभी उन्होंने गुरु जी कहीं बाहर गए हुए, गौरदास बाहर गए हुए, उन्होंने देखा अभी तक भी गुरु जी नहीं आ रहे, क्या कारण, नहीं आ रहे, अभी दो दिन रह गया अभी क्या करें, कुछ तो करनी चाहिए। उन्होंने संतों को सारे वैष्णव को बुलाए, कीर्तन उत्सव उन्होंने रखे, लेकिन ठीक गुरुदेव आ गए उसी दिन जिस दिन उत्सव आ गए, आकर के देखा पूरा वहाँ पर उत्सव चल रहा है, खूब कीर्तन महाप्रभु का, खूब आनंद कीर्तन हो रहा है। उनको गुरु जी तो बिगड़ गए, बोले मैंने तेरे को कहा था सबको बुलाने के लिए,
बोले गुरु जी आप थे नहीं, चले गए, हम सब उत्सव आ गया, अभी क्या करेंगे आप, फिर ठाकुर का उत्सव इसलिए कर। बोले मेरे आदेश में बगैर, मेरे आदेश से बगैर तुमने क्यों ये काम किया, निकल जाओ यहाँ से तुम। एक तरह से वो शिक्षा देते हैं, जब तक कि ऐसे नहीं तुम्हारे मन में जो इच्छा हुआ गुरु जी के आदेश से बगैर तुम करना शुरू कर। जब ये मुक्त महापुरुष है, उनने जो किया ठीक किया महापुरुष उत्सव के लिए, लेकिन वो लोग को शिक्षा दे रहे हैं, जब भी कोई काम करके थे ना, गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊँ बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दे बताऊँ। नियम है कुछ भी करो गुरु जी की आदेश को लेकर के ही हमें करनी चाहिए, इसलिए बोले निकल जाओ यहाँ से, गुरु जी के बगैर आदेश का तुम क्यों किया। वो शिक्षा दे रहे हम लोग को, गुरु जी का आदेश से बगैर हमें कुछ भी नहीं करनी चाहिए, कुछ भी करो पहले गुरु जी को पूछो, ऐसे नहीं गुरु जी का आदेश को करने लग गए हैं, इतने में निकाल दिया चले गए। लेकिन इसमें तो उनको शिक्षा देना चाह रहे थे, जब चले गए इतने में, जब उनने सवेरे मंदिर खोला ना, देखा ठाकुर ही नहीं घर में। बोले भैया ठाकुर कहाँ चले गए, ये ठाकुर कहाँ गायब हो गए। लेकिन लगता है सखा, कृष्ण का सखा है, सुबल सखा है, हैं। इतने में एक लठिया लिया, बोले तू गया कहाँ, अभी तेरे को दिखाता हूँ। क्यों दोस्त लगते हैं ना, हाथ में डंडे लेकर ना ढूंढने के लिए गए, कहाँ तू गया, क्यों मंदिर में नहीं। और ढूंढते ढूंढते जहाँ हम लोगों ने पार किया ना, गंगा पार किया, वहीं पर जब गए ना, वहाँ पर तो उनका शिष्य और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, अरे सारे भक्त लोग, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय। अरे बड़े धूमधाम से कीर्तन हो रहा है, अरे बड़े आनंद से, देखा ये दोनों भैया नाच रहे हैं, और ये तो लठिया लेकर गए, दोस्त लगते हैं ना सुबल सखा। जब उन्होंने दो भैया देखे, भैया तो डंडा लेकर गए मारने के लिए, जब वहाँ पहुँचे ना, इतने में डर गए, वहाँ पर नित्य दोस्त लगते हैं ना, इसलिए डर गए। और देखते देखते देखा उनका जो शिष्य था ना, हृदय से उनका हृदय में ही दोनों ठाकुर प्रवेश कर गए, देखते देखते उनका हृदय में ही प्रवेश कर गई। फिर उनका नाम क्या पड़ गया, हृदय चैतन्य, चैतन्य महापुरुष जिनका हृदय में प्रवेश कर गए। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी को ना एक नज़र से देखने नहीं देते, क्यों, जैसे बांके बिहारी, वो भी एक दिन कोई भक्त आया तो क्या हुआ, भक्त आए तो वो भी भक्तों के पीछे चले गए हैं, बड़े बड़े कठिनी से बांके बिहारी को लाए। इसलिए प्रेम कब होता है, पहला प्रेम आँखों आँखों से होता है, एक जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दर्शन तभी प्रेम होता है, दर्शन किए बगैर प्रेम नहीं होता है, हैं, पहले देख कर तो प्रेम होता है ना। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी को एक नज़र से देखने नहीं देते, बोले क्यों, फिर हो ना हो, फिर ठाकुर जी को प्रेम करके, क्यों भगवान प्रेम की भूखे हैं, प्रेम भक्त वत्सल भगवान हैं, फिर ठाकुर को यहाँ से फिर कोई उठाकर ले नहीं जाए, ठाकुर किसी को पीछे पीछे ठाकुर जी चले नहीं जाए। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी जैसे तुम भुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। ठाकुर सब कुछ करते हैं भक्त के लिए, लेकिन हमारे हृदय में भक्ति होनी चाहिए, तब ठाकुर जी हमारे लिए सब करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इतने कष्ट करके यहाँ पर आए, ठाकुर का दर्शन किया, और यहाँ पर दो चीज़ रखा हुआ, महाप्रभु अपना जो जैसे नाव को चलाते ना, उसको क्या बोलते हैं, चप्पू, और महाप्रभु का हाथ की लिखा हुआ गीता, ये दोनों चीज़ उन्होंने गौरदास पंडित को देकर गए थे। बोले ये चप्पू से मैं नदी पार करते थे नाव में गंगा, बोले इसको द्वारा तुम भवसागर से जीव को उद्धार करना है। और उन्होंने महाप्रभु का हाथ का हैंड राइटिंग जो भगवत गीता भी यहाँ पर, जब हम लोग कथा सुनने के बाद ये चीज़ को दर्शन करेंगे, फिर दर्शन करते हुए यहाँ से हम शांतिपुर जाएंगे, जहाँ पर अद्वैत आचार्य जी का जहाँ पर भवन, वहाँ पर हमारे श्री संजय प्रभु जी अखंड, हाँ पीछे पीछे भी जाएंगे, जहाँ पर श्री जो जाह्नवा वसुधा है ना, सूर्यदास पंडित के ये दो बेटी है, नित्यानंद प्रभु का दो ये बेटी है, उनके घर भी पीछे है, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु के साथ में उनकी शादी हुई थी, वो शादी का स्थान में भी जाएंगे। अभी हमारे श्री हमारे विवेक प्रभु कहाँ गए, उनको बोल करके हम तो परिक्रमा किए, लेकिन प्रभु जी बहुत कष्ट किया है, और इनकी मैं तो बोल रहा था इतना गर्मी में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे इतने गरीब में, लेकिन ये प्रभु जी ने खड़े हो जाओ प्रभु दर्शन दो, इसलिए प्रभु जी ने बोले नहीं चलो, साल में
साल में हम एक बार आते हैं, संसार के लिए तो बहुत कष्ट करते हैं, क्या भगवान के दर्शन के लिए कष्ट नहीं कर सकते? इसलिए इनको उत्साह किया, बोले ठीक है चलो प्रभु जी की। मैंने कहा देखो प्रभु जी, मैं गाड़ी का व्यवस्था तो कर सकता हूँ, फिर प्रसाद का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। फिर उन्होंने विवेक प्रभु को बोल करके फिर उठा करके सवेरे सवेरे हैं एकदम 8 बजे से 7 से 8 बजे पूरा प्रसाद को ला कर पैकिंग करके गाड़ी में रख करके, मैं तो परिक्रमा में था प्रभु जी, गाड़ी में रख करके सारी व्यवस्था किए हैं। इसलिए अभी प्रभु जी आपको बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाएगा आपको श्री संजय प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर्ष श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्रुतर्ष श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्रुतर्ष श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्रुतर्ष श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। सपार्श सपरिका शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त हों। सपार्श सपरिका श्री गौर नित्यानंद प्रभु जयुक्त हों। उपस्थित परम पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, समस्त ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव वैष्णवी, श्री नवदीप धाम परिक्रमा में आगत श्रद्धालु मंडली, सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडत प्रणाम। महाराज जी ने सब कुछ तो बोल दिया है, बोलने को तो कुछ विशेष नहीं बचा है, किंतु मैं दो एक बात बतला दूं। हमारे रूपानु गुरुवर्गों ने भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान का जो लीला गुण, उन सबको एक ही तत्व बतलाया है। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नाई तीन चिदानंद रूप। भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान का विग्रह, ये तीनों एक ही स्वरूप हैं। इन तीनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ये जो सिद्धांत है ये इस स्थान पर बड़े ही सुंदर रूप में प्रकाशित होता है, जैसा कि आप लोगों ने अभी लीला में सुना है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी और श्रीमन महाप्रभु जी एक दिन नवदीप से इस स्थान पर नौका में, स्वयं नौका को चालन करते करते इस स्थान पर उपस्थित हुए, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने गौरीदास पंडित जी की अभ्यर्थना को स्वीकार किया, कई दिनों तक यहाँ पर रहे उनके प्रेम के वशीभूत होकर। देखिए शास्त्रों में भी यही कहा गया, भगवान का भक्त कौन है, भक्त वास्तव में किसको कहते हैं? शास्त्र कहते हैं प्रणय रसनायाम घृतांग्री पद्मा सा भवती भागवत प्रधान उक्ता, जिन्होंने अपने प्रणय रूपी रज्जू से, अपने प्रेम की रस्सी से भगवान को अपने हृदय में बांध लिया है ना, उनको वास्तव में भक्त कहा जाता है। श्री गौरीदास पंडित जी ने अपने प्रणय की रज्जू से, अपने प्रेम की रज्जू से श्री गौर नित्यानंद प्रभु जी को यहाँ बांध कर रख दिया हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी, हमारे रूपानु गुरुवर कहते हैं, यदि किसी को वास्तव में गौर नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन करना है तो गौर नित्यानंद प्रभु जी कहाँ हैं? देवादिदेव गौरचंद्र गौरीदास मंदिरे। आज भी गौर नित्यानंद प्रभु जी श्री गौरीदास पंडित जी के घर में हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए वो इस स्थान पर अपने दर्शन प्रदान कर रहे हैं। इस स्थान की लीला आप लोगों ने सुनी है। हमारे परम गुरु महाराज जी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी विग्रह तत्व के विषय में हम लोगों को बड़े सुंदर सुंदर विचार उनके सुनने को मिलते हैं। मैं उसमें से एक छोटी सी बात बतलाना चाहता हूँ। हमारे परम गुरु महाराज जी कहते हैं, वेदांत का एक सूत्र है, उसको आप लोग ठीक से स्मरण करके जाना। आज वेदांत का एक सूत्र है, उस सूत्र में श्री वेद व्यास जी बतला रहे हैं ना प्रतीके ना हिस्सा। ये क्या है? सूत्र है। क्या सूत्र है? ना प्रतीके ना हिस्सा। जो मायावादी लोग हैं वो इस सूत्र की व्याख्या करते हैं ना प्रतीके।
प्रतीक अर्थात मूर्ति की उपासना करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आ रही बात? ना प्रतीके ना ही सा। मायावादी लोग विग्रह की प्रतिष्ठा करते हैं किंतु भगवान के विग्रह को नित्य नहीं मानते हैं। उनका क्या विचार होता है? जब हमारी सिद्धि हो जाएगी ना तो हम क्या करेंगे? क्योंकि भगवान का रूप तो निराकार है, तो निराकार वस्तु का तो ध्यान नहीं हो सकता, तो वह एक रूप की कल्पना कर लेते हैं। ब्राह्मणों रूप कल्पना, भगवान के एक रूप की कल्पना कर लेते हैं, एक मूर्ति बना देते हैं और फिर उसकी उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और मन मन में विचार करते हैं जब हमारी सिद्धि हो जाएगी तो इस मूर्ति को उठा करके हम विसर्जित कर देंगे। इसलिए मायावादियों की जो मूर्ति पूजा है, जो विग्रह पूजा है, वो वास्तव में क्या है? वो एक प्रकार का छल है, इसलिए उसको मायावाद कहा गया। तो मायावादी लोग वेदांत के इस सूत्र को उठा करके विचार बतलाते ना प्रतीक ना हिस्सा। वो कहते प्रतीक की उपासना करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, निशक्तिक है। किंतु वास्तव में इस सूत्र की जो वास्तविक व्याख्या है वो हमारे परम गुरु जी करते थे, ना प्रतीके ना ही, उसके बाद एक कौमा है, उसके बाद क्या शब्द आया? ना प्रतीके ना ही सा। तो हमारे परम गुरु जी व्याख्या करते थे ना प्रतीके। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान का विग्रह और भगवान में भेद है, भगवान का विग्रह नित्य नहीं है, वो लोग विग्रह की उपासना करें, उनके द्वारा विग्रह की उपासना करने पर भी उनकी विग्रह की उपासना छल है। किंतु जो भक्त लोग हैं ना, जो भगवान के विग्रह को और भगवान के स्वरूप को नित्य मानते हैं, एक मानते हैं, उनके द्वारा विग्रह की उपासना करने पर क्या होगा? वास्तव में ही उनको सिद्धि की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो विग्रह हैं, अभी अभी हम लोग सुन रहे थे ना, विग्रह कैसे प्रकाशित हुए, विग्रह कैसे प्रकाशित हुए, ब्रह्मा जी बतला रहे ना, प्रेमांजन छुरीता भक्ति विलोचने ना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। भगवान के जो भक्त लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? प्रेमांजन छुरीता भक्ति विलोचने ना, वो प्रेम रूपी नेत्रों में, वो भक्ति से परिपूर्ण नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन लगा करके यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम, अपने हृदय में कृष्ण के बड़े सुंदर रूप का, गुणों का जो दर्शन करते हैं ना, उसको ही जगत जीवों के कल्याण के लिए विग्रह के रूप में क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। जैसे गौरीदास पंडित जी ने हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए ये गौर नित्यानंद प्रभु जी के बड़े सुंदर विग्रह को यहाँ पर विराजमान कर दिया, बांध के रख दिया अपने प्रेम से कि हम जैसे बद्ध जीव, जगत जीव आएंगे इस स्थान पर, दर्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा? आत्ममंगल होगा। इसलिए भगवान का विग्रह और भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, इसमें कोई भेद नहीं है। हमारे परम गुरु जी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे, हम लोगों ने पहले भी सुनी है। एक समय दक्षिण भारत के विद्यानगर के, सुना होगा ना आप लोगों ने, जो साक्षी गोपाल जी है ना जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी के निकट में, वो साक्षी गोपाल जी पहले वृंदावन में थे, किंतु वो कैसे आ गए वहाँ पर? सुनिए ना कथा, कितने लोगों को स्मरण है, उसमें विग्रह तत्व कितने सुंदर रूप में प्रकाशित होता है। दो ब्राह्मण कहाँ पर गए? तीर्थ की यात्रा पर गए, एक बूढ़े ब्राह्मण और एक युवा ब्राह्मण, जवान ब्राह्मण। जो बूढ़े ब्राह्मण थे, जवान ब्राह्मण ने उनकी बड़ी सेवा की पूरी तीर्थ यात्रा में, और बूढ़े ब्राह्मण ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको वर दे दिया कि मैं तुमको अपनी कन्या दान करूंगा। अब जब वापस लौटे अपने गाँव में, तो जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो उच्च कुल के ब्राह्मण थे, कुलीन ब्राह्मण जिनको कहते हैं, और जो जवान ब्राह्मण था वो निम्न कुल का ब्राह्मण था। तो जब बूढ़े ब्राह्मण ने अपने घर में जाकर के ये प्रस्ताव दिया कि मैं अपनी कन्या का विवाह उस अमुक ब्राह्मण से करना चाहता हूँ, तो उसके पुत्र, उसकी पत्नी उसके ऊपर बड़ा रुष्ट हो गए, है ना, और रुष्ट होकर उन्होंने कह दिया हम तो किसी प्रकार से भी अपनी कन्या को, अपनी बहन को, उस निम्न कुल के ब्राह्मण को हम दान नहीं करेंगे। अभी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। किंतु जो बूढ़ा विप्र था ना, उसके मन में भी भगवान के विग्रह के प्रति बड़ी ही श्रद्धा थी, बड़ी श्रद्धा, क्योंकि जब वो वृंदावन में थे तो बूढ़े ब्राह्मण ने जवान ब्राह्मण के सामने ये वचन दिया था गोपाल जी के सामने कि मैं अपनी कन्या दान करूंगा। तो वहाँ पर एक पंचायत जैसी लग गई, है ना। तो जो बूढ़ा ब्राह्मण था उसके पुत्र क्या कहने लगे, मैं हम तो अपनी बहन को इस निम्न कुल के ब्राह्मण को दान नहीं करेंगे, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तो जवान ब्राह्मण ने क्या कहा, हाँ प्रमाण है, गोपाल जी के सामने तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था, वचन दिया था। तो सब लोग हंसने लगे और निर्णय कर लिया कि यदि गोपाल जी आकर के साक्षी दे देंगे तो क्या होगा, हम अपनी बहन को तुमको दान कर देंगे। अब बूढ़ा ब्राह्मण भी मन में प्रसन्न हो रहा है, उसको विश्वास है और जवान ब्राह्मण को भी विश्वास है। किंतु जो उसके घर के लोग हैं ना, वो भगवान के विग्रह को और भगवान को पृथक मानते हैं। उनका तो मन का विचार है भगवान का विग्रह तो पत्थर का विग्रह है ना, उनके मन का ऐसा विचार।
किंतु दोनों ब्राह्मण को यह विश्वास था कि भगवान का विग्रह नित्य है। तो जवान ब्राह्मण फिर से कहाँ पहुँचा? वृंदावन में, और गोपाल जी के सामने जाकर कहने लगा, देखो भक्त की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आपके सामने तो वचन दिया गया है कन्यादान का, यदि आप जाकर के साक्षी नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, मुझको कन्या नहीं मिलेगी, मुझको कन्या नहीं मिले इसमें कोई असुविधा नहीं है, किंतु जो बूढ़ा विप्र है ना उसकी बड़ी क्या होगी, उसका बड़ा अपमान होगा, और आपका जो विग्रह है ना इसके प्रति भी लोगों की क्या होगी, अनित्य बुद्धि हो जाएगी, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप चल करके साक्षी दे दें। तो कृष्ण ने ना उनसे, जवान ब्राह्मण से कहा, जो विग्रह है ना वो वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे, और कृष्ण ने कहा, अरे तुमने सुना है कहीं विग्रह चलता है? तो ब्राह्मण बड़ा चतुर था, उसने उत्तर दिया, आपने सुना है विग्रह कहीं बोलता है? जब विग्रह बोल सकता है तो विग्रह चल भी सकता है। तो कृष्ण उनके प्रेम के वशीभूत होकर के कहाँ पहुँच गए, उनके गाँव में साक्षी देने के लिए पहुँच गए। तो हमारे परम गुरु महाराज जी भगवान का विग्रह और भगवान एक ही वस्तु हैं, इस विषय को स्थापित करने के लिए ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाया करते थे। नवदीप के पास में निकट में एक स्थान है अग्रदीप, महाप्रभु के एक भक्त थे गोविंद घोष जी, उनके कोई संतान नहीं थी, वो गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। तो जब वो वृद्ध हो गए तो उनके मन में विचार आया, मेरा तो कोई पुत्र नहीं है तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा? तो गोपीनाथ जी ने उनसे साक्षात रूप में प्रकट होकर कहा, हमारी सेवा करते हो और हमारे ऊपर इतना विश्वास नहीं कि हम तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेंगे? तो गोपीनाथ जी कहते, हम तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रत्येक वर्ष तुम्हारा श्राद्ध करेंगे। आज भी गोविंद घोष जी की तिरुभाव तिथि पर गोपीनाथ जी स्वयं उनका श्राद्ध करते हैं। इसलिए भगवान का विग्रह और भगवान का स्वरूप वो एक ही है, केवल हमारा जो विश्वास है ना उस विश्वास के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि हम किस परिमाण में भगवान के विग्रह को और भगवान को एक मान करके हमारे हृदय में उनके प्रति विश्वास स्थापित करते हैं। इसलिए बड़े सुंदर रूप में ये लीला स्थान पर संपन्न हुई। अभी समय बहुत हो गया है, हम लोग पीछे जाकर दर्शन करेंगे और उसके पश्चात जल्दी जल्दी शांतिपुर जाएंगे, अद्वैताचार्य जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। उन्हीं की कृपा से आज हम जगत जीवों को गौर भक्ति हो रही है, ठीक है? गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अभी अभी आप लोग ज़्यादा देर नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने देखा कितना गर्मी है, जितना जल्दी से जा करके, अब मैं आने जाने का पैसा दे दिया, आपको रास्ता में कहीं पैसा नहीं देना पड़ेगा, नाव मैं आने जाने का पैसा मैं दे चुका हूँ इसलिए। और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, कोई कोई भक्तों ने बिना बोले आए, आप लोग उधर पैसा दे देना, हमारे कहाँ पर गए।